क्योंकि शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस में कपड़े लेके आने का। मेरी सगाई की शेरवानी तुमसे रख करूंगी दर से। तो बताओ कौन सा आउटफिट? जब तक तुम मेरी शेरवानी सिलेक्ट नहीं कर लेती मैं यहां से नहीं जा रहा। तुम ये सब खुद क्यों नहीं करते? मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट रहा, तुमने और माँ ने मिलकर मुझे इसमें घसीटा है। देव और सोनाक्षी की जिंदगी में मोहब्बत का नया रंग छाने लगा है। ट्विस्ट ही ट्विस्ट है इस कहानी में। अब देखिए ना, देव की सगाई की तैयारी हो रही है और देव अपनी सोनाक्षी के पास पहुंच गया है और उससे कह रहा है कि जरा मेरी शेरवानी सिलेक्ट कर दो। ऐसे में सोनाक्षी के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये बताने की जरूरत है क्या? हाँ, देव कुछ ऐसी चीजें करता है, एक्सट्रीम चीज़ें करता है वो, जो बाकी सोच भी नहीं सकते वैसी चीज़ें करता है। यही देव की चीज़ अच्छी है, जैसी हरकतें देव करता है कोई भी इरिटेट होगा, बहुत इरिटेट होगा। उसका मकसद ही यही है सामने वाले को इरिटेट करना कि वो इरिटेट होकर सच उगल दे। भले ही ईश्वरी और सोनाक्षी की माँ का देव और सोनाक्षी को एक करने का प्लान फेल होता दिख रहा हो, लेकिन देव ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। वो बस अपनी सोना से सच सुनना चाहता है। प्लानिंग हमें बैकफायर कर गई जब हमें ये पता चला कि देव राजी हो गया है शादी करने के लिए। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। वो प्लानिंग काम नहीं कर रही है, बट होपफुली अभी टाइम है थोड़ा, माँ की प्लानिंग काम कर जाए। और उधर सोनाक्षी के पापा यानी देव के ससुर जी का बस चले तो वो देव की अभी ही किसी और से शादी करवा दें। देखिए ना, देव की शादी में जमकर नाचने की कैसी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं देव दीक्षित की शादी में नाचूंगा, अब तो मैं और जोर से नाचूंगा और तुम और तुम्हारी वो पार्टनर इन क्राइम ईश्वरी जी वो देखती रह जाएंगी। हाँ, मतलब मेरे लिए शॉकिंग है कि भाई मेरी वाइफ ही जो है वो जिसको मैं सबसे ज़्यादा हेट कर रहा हूँ, जिसको मैं ज़िम्मेदार मान रहा हूँ मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करने के लिए, उसके साथ प्लान करके देव और शोना को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुस्सा है अभी। लेकिन ये सब सीरियल का ड्रामा है और पर्दे तक ही सीमित है। पर्दे के पीछे देव और यूनिट के बाकी सदस्य भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे। क्रिकेट की पिच पर भारत ने तो पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन प्यार की पिच पर सोनाक्षी और अपने ससुर जी के बाउंसर्स को देव बाबू कैसे झेल पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।